घर भितरे दक्षिण पश्चिम कोणरे अर्थात नैऋत कोणरे मनी प्लांट लगाइबा उचित। एहा शुभप्रद होइथाए एवं दारिद्रता कम हेबा सहित धनर अभाव दूर होइथाए। घरे पैसा रखुथिबा स्थानर सम्मुखरे दर्पण लगाइबा उचित जेपरी तार प्रतिबिंब देखाजिव। एहा शुभप्रद होइथाए एवं अर्थ वृद्धि हेबार संभावना देखा देथाए। घरे पैसा रखुथिबा स्थानरे कम लाइट लगाइबा उचित। अधिक मात्रारे आलोकित करिबा उचित नुहे। एहा अशुभ होइथाए एवं अजथा खर्च वृद्धि हेबार संभावना देखा देथाए। जेउं घरे महिला माने क्रोधित होइथांती किंबा जेउं घरे महिला माने खुशी रे रही नथांती सेठारे माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्त होइ नथाए। महिला माने घरे ठाकुर पूजा करिबा पूर्वरु खाद्य खाइबा उचित नुहे एवं पूजा परे खाद्य ग्रहण करिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। घरर महिला माने केबे भी डेरी रे स्नान करिबा उचित नुहे। एहा अशुभ होइथाए एवं सूर्योदय पूर्वरु स्नान करिबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाए। महिला माने स्नान करिबा परे रोसेई घरे प्रवेश करिबा उचित। अगाधुआ केबे भी रोसेई घरे प्रवेश करिबा उचित नुहे। एहा अशुभ एवं अमंगलकारी होइथाए। घरे जदि महिला माने झाड़ू पोछा लगाउथांती तेबे दिन 12टा पूर्वरु करिबा उचित एवं सूर्यास्त परे झाड़ू पोछा लगाइबा द्वारा घरे दारिद्रता देखा देथाए। घरे केबे भी बंद होई पड़िथिबा घड़ी रखिबा उचित नहे। एहा अशुभ होइथाए तेनु तुरंत हटाई देबा उचित। एहा द्वारा प्रगति अटकी थाए। घरे जदि भंगा चेयर टेबुल रही थाए तेबे तुरंत हटाई देबा उचित। एहा अशुभ होइथाए एवं परिवार सदस्यक उन्नति रे बाधा सृष्टि होइथाए। घरे बुढ़ियाणी बसा होइथिले तुरंत सफा करिबा उचित। एहा अशुभ हेबा सहित वास्तु दोष देखा देथाए एवं खराब समय आसिबार संभावना रहिथाए। घरे केबे भी पैसा रखुथिबा आलमारी किंबा बाक्स भंगा ददरा हेबा उचित नुहे। एहा अशुभ हेबा सहित अजथा खर्च वृद्धि होइथाए। घरे केबे भी भांगिथिबा जिनिष किंबा अदरकारी जिनिष एवं भंगा काच जिनिष इत्यादि रखिबा उचित नुहे। एहा द्वारा घरे वास्तु दोष देखा देथाए। घरर छात उपरे केबे भी अदरकारी जिनिष गदा करिबा उचित नुहे किंबा अळिया आवर्जना करिबा अनुचित। एहा द्वारा पितृ दोष देखा देबा सहित अर्थ अभाव देखा देबार संभावना रहिथाए। घरे केबे भी देवी देवतांक भांगिथिबा किंबा फाटिथिबा मूर्ति अथवा फटो रखिबा उचित नुहे। एहा अशुभ हेबा सहित अर्थहानि होइथाए तेणु नदीरे प्रवाहित करि देबा उचित। घरे केबे भी चिरा फटा किंबा पुरुणा कपड़ा को पुटोला करि रखिबा उचित नहे। एहा द्वारा अशुभ शक्ति वृद्धि होइथाए तेणु व्यवहार करिबा किंबा बाहर करि देबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। जदि कौनसी करज किंबा धार उधार करिथांती तेबे सुझिबा बेले केवल मंगलवार दिन परिशोध करिबा उचित। एहा द्वारा करज शीघ्र समाप्त होइथाए।
रविवार एवं गुरुवार दिन गहम दान करने सहित शुक्रवार दिन दही दान करने द्वारा मंगलकारी होता है। घर को माता लक्ष्मी आगमन होता है। एकादशी एवं पूर्णिमा दिन गोमाता सेवा करने सहित ब्राह्मण लोकं भोजन प्रदान करने द्वारा कल्याणकारी होवा सहित घर को माता लक्ष्मी आगमन होता है। परिवार लोकमाने उदय होता सूर्य को दर्शन करने सहित निज भितर उत्तम संपर्क रखा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होता है। घर को माता लक्ष्मी आगमन होता है। रविवार दिन सकाळ समय रे अलग अलग छोट पात्र सोरिष कला खसा गोटा धनिया एवं समुद्र लुण व्यवसाय स्थल रे रखा द्वारा ग्राहक वृद्धि होवा सहित व्यवसाय वृद्धि होता है। प्रत्येक दिन श्रद्धापूर्वक राम चौपाई जप करने द्वारा अत्यंत मंगलकारी होता है। जीवन में दारिद्रता सबुदिन दूर होता है। रविवार दिन सका सोरिष पत्र को जल में पकाइबा परे ओम सूर्याय नमः मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करि सही जल में स्नान करने द्वारा सबुदिन दारिद्रता दूर होता है। कौनसी लोकों शवजात्रा रे जीवा समय रे केबे भी श्मशान भूमि रे हसीबा उचित नुहे। यह अत्यंत अमंगलकारी होता है। दारिद्रता देखा देवार कारण होता है। चालीस दिन रु अधिक दिन पर्यंत केबे भी बाल रखा उचित नुहे किंबा भांगी जाइथिबा पानिया रे मुंड कुंडाइबा अनुचित। यह अशुभ होवा सहित दारिद्रता देखा दे थाए। घरे केबे भी शिवली लागिबा उचित नुहे। नियमित भावरे सफा करिबा उचित। यह अशुभ होइथाए एवं कौनसी प्रकार दुर्गंध हेले घरे दारिद्रतार बास होइथाए। नियमित भावरे कदळी गछ मूलरे जल अर्पण करने सहित घी दीप प्रज्वलित करने द्वारा अत्यंत शुभप्रद होता है। दारिद्रता दूर होता है। घरे पैसा रखुवा स्थान नौटी कौड़ी रखा सहित गोटे तंबा पैसा रखा द्वारा शुभप्रद होता है। घरे आर्थिक संपन्नता देखा दे थाए। डिमिरी गछर चेर को कपड़े गुड़ाई डेउरिया भर्ती करी बेकरे पिंधिबा द्वारा मंगलकारी होता है। आर्थिक संपन्नता प्राप्त होता है। शनिवार दिन शोइबा खट तले सोरिष तेल रखी ता पर दिन बिरी डाली मिसाई गुलुगुला तैयारी करी कुकुर को खाइबा को देवा द्वारा शुभप्रद होता है। दारिद्रता दूर होता है। प्रत्येक शुक्लपक्ष पंचमी तिथि घरे श्री सूतक पाठ करने सहित होम करने द्वारा अत्यंत शुभप्रद होता है। दारिद्रता दूर होता है। प्रत्येक गुरुवार दिन तुलसी गछ मूल क्षीर अर्पण करने उचित। यह अत्यंत शुभप्रद होता है। घरे आर्थिक संपन्नता प्राप्त होता है। घरे खाद्य खाइबा पूर्वरु गाई किंबा कुकुर पाई रुटी खंडिये रखिबा उचित। यह अत्यंत शुभप्रद होता है। घरे केबे भी आर्थिक समस्यार सम्मुखीन होवाकु पड़ी न थाए। एही भिडियोटी को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने आपण मानंकु अनुरोध।